अगर हम अपनी धरती को अंतरिक्ष से देखें तो हमें इस नीले ग्रह के 75% से भी ज़्यादा हिस्से में समंदर दिखेगा। ये समंदर जो करोड़ों साल से इस धरती पर मौजूद हैं, इन समंदरों के गर्भ में कई राज दफन हैं जो समय के साथ साथ बाहर आते रहते हैं। आज जिस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं उसका राज भी शायद इसी समंदर में कहीं दफन है। नमस्कार, मैं हूं मोहित और मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं मलेशियन फ्लाइट 370 की। इस प्लेन की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके सामने रखेंगे उन तथ्यों को जो बहुत कम ही लोगों को पता है। ये दिन था 8 मार्च सन 2014 का। इस दिन भी हमेशा की तरह मलेशियन फ्लाइट 370 क्वालालंपुर से अपने डेस्टिनेशन बीजिंग के लिए जाने वाली थी। हालांकि क्वालालंपुर से बीजिंग तक का सफर 5 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी जहाज में इतना फ्यूल भरा जाता है जिससे वो अगले 8 घंटों तक उड़ता रहे, जो कि एक रूटीन प्रैक्टिस है ताकि किसी मुसीबत की घड़ी में जहाज में इतना फ्यूल हो जिससे जहाज को किसी दूसरी जगह उतारा जा सके। 8 मार्च सन 2014 को रात के 12:45 पर MS-370 ने अपनी मंजिल बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इस जहाज में 12 क्रू मेंबर्स के अलावा 227 यात्री सवार थे। इस जहाज को 53 साल के अनुभवी कप्तान जहरी अहमद शाह और 27 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद उड़ा रहे थे। बोइंग 777 ये बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया सबसे एडवांस जहाजों में से एक था। आपको बताते चलें कि इसमें उड़ान से पहले कोई खराबी नहीं थी। क्वालालंपुर के एरिया कंट्रोल टावर के इंस्ट्रक्शंस पर पायलट जहाज को 35,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है और बस यहीं से जहाज के रहस्यमय सफर की शुरुआत होती है। ठीक 1:19 पर क्वालालंपुर के कंट्रोल टावर से कप्तान को निर्देश दिया जाता है। मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो चे मिन 120.9, गुड नाइट। इसका मतलब है कि जहाज अब वियतनाम की एयर स्पेस में है, इसलिए पायलट को हो चे मिन सिटी के एयर कंट्रोल टावर से संपर्क करना चाहिए। इसके जवाब में कप्तान कहते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। ये आखिरी बार था जब उस जहाज से किसी की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद अगले 2 मिनट तक ये प्लेन वियतनाम के राडार पर दिखता रहा और फिर अचानक से ये प्लेन राडार से गायब हो गया। हालांकि इस बीच कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जहाज से संपर्क ना हो सका तो 1:30 पर वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रिक्वेस्ट पर उसी समय कुछ दूरी पर उड़ रहे जहाज के कप्तान ने इंटरनेशनल एयर डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी पर उस जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कप्तान ने कंट्रोल टावर को बताया कि जहाज से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन इससे ये बात साफ हो गई थी कि MH-370 के कॉकपिट तक वो आवाज जा रही थी, क्योंकि MH-370 का सेटेलाइट डेटा यूनिट इस सिग्नल को एक्नॉलेज कर रहा था। इसके बाद वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से ये बात मलेशियन अधिकारियों को बता दी जाती है। हालांकि प्रोटोकॉल के मुताबिक इस तरह की सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन मलेशियन अथॉरिटीज अगले 4 घंटों तक भी हरकत में नहीं आती, बल्कि वो तो सुबह 6:30 तक जहाज का बीजिंग में लैंड करने का इंतजार करती रही। लेकिन सुबह 6:30 ही ये इंतजार भी खत्म हो गया। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि MS-370 किसी हादसे का शिकार हो चुका है। इसके बाद 9 मार्च को शुरू होता है इतिहास का सबसे महंगा इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। इस अभियान में कुल 9 देशों के 34 एयरक्राफ्ट और 40 शिप्स शामिल होते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद एयरक्राफ्ट को हटा दिया जाता है, क्योंकि इतने दिनों में अगर कोई चीज पानी के ऊपर रही भी होगी तो वो अब तक डूब चुकी होगी। शुरुआती सर्च अभियान गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी तक सीमित रहता है, क्योंकि प्लेन इसी लोकेशन से राडार से गायब हुआ था। 4 दिनों तक खोजने के बाद अचानक 12 मार्च को एक ऐसी खबर सामने आती है जिससे पूरी जांच का रुख ही बदल जाता है।
दरअसल वो प्लेन मलेशिया और वियतनाम के सिविलियन राडार से गायब तो हुआ था, लेकिन वो तब भी मलेशिया के मिलिट्री राडार पर दिख रहा था। मिलिट्री राडार से जानकारी मिलती है कि उस प्लेन ने वियतनाम की एयर स्पेस में एंटर होने के बाद एक छोटा सा राइट टर्न लिया और उसके बाद एक शार्प लेफ्ट टर्न लेते हुए वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगा। उसके कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन पेनांग द्वीप के ऊपर से उड़ता हुआ स्ट्रेट ऑफ मलाका के रास्ते अंडमान सी की ओर मुड़ गया। इसके बाद ये प्लेन मलेशिया के मिलिट्री राडार पर रात के 2:15 तक दिखता रहा। इसके बाद ये मिलिट्री राडार की पहुंच से भी बाहर हो गया। इसके बाद ये जहाज साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन की ओर शिफ्ट हो जाती है। इस पॉइंट के बाद जहाज कहां गया होगा? फ्लाइट पाथ देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे जहाज इंडिया पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरा हो, लेकिन उसके एक दिन बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने जांचकर्ताओं को फिर से सकते में डाल दिया। दरअसल जहाज में एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ था जिसके बारे में शायद कप्तान को भी नहीं पता था। जिस समय जहाज मिलिट्री राडार से गायब हुआ था उस समय वो इनमारसैट नाम के एक ब्रिटिश सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट में था। दरअसल जहाज का सैटेलाइट डेटा यूनिट हर एक घंटे बाद सैटेलाइट को लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेज रहा था। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से प्राप्त डेटा से बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की जिससे पता चला कि मिलिट्री राडार से गायब होने के बाद वो जहाज अगले 5 घंटों तक इंडियन ओशन में साउथ की ओर उड़ता जा रहा था। यानी जिस समय उस जहाज को साउथ चाइना सी में ढूंढा जा रहा था उस वक्त वो सदर्न इंडियन ओशन में उड़ रहा था। आखिरी बार जहाज का सैटेलाइट से संपर्क सुबह 8:19 पर हुआ जिसे 7th हैंडशेक कहा जाता है। इसके बाद जहाज ने कोई लॉग ऑन रिक्वेस्ट नहीं भेजी। वैज्ञानिकों का मानना था कि जिस जगह पे जहाज का सैटेलाइट से संपर्क टूटा वो जगह ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर इस कर्व्ड एरिया में है जिसे 7th आर्क कहा जाता है। जहाज को मलेशिया के इस 7th आर्क तक पहुंचने में कुल 8 घंटे लगे और जहाज में भी बस इतना ही फ्यूल था। इसका मतलब जहाज फ्यूल खत्म होने की वजह से इस कर्व्ड एरिया में क्रैश हो गया होगा। इसके बाद प्लेन की खोज इस रीजन में होने लगी। ये समुद्री क्षेत्र बहुत गहरा है और बहुत बड़ा भी है। इसके अंदर बहुत सारी पहाड़ियाँ और वोल्केनोज हैं। बहुत खोज करने के बाद भी यहाँ जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिला। जब जांच चल ही रही थी तभी एक दिन वेस्टर्न इंडियन ओशन में एक द्वीप जिसका नाम रीयूनियन है उसमें एक प्लेन के राइट विंग का फ्लैपरॉन मिलता है। जाँच करने पर पता चलता है कि यह फ्लैपरॉन MH370 का ही है। दरअसल फ्लैपरॉन जहाज को लैंड करने के दौरान एक्सटेंड हो जाते हैं ताकि स्मूथ लैंडिंग हो सके। इस फ्लैपरॉन की जांच करने से एक खौफनाक बात का पता चला। दरअसल जब ये प्लेन समुद्र से टकराया था तब ये फ्लैपरॉन एक्सटेंड नहीं हुए थे। इसका मतलब जहाज समुद्र में अपने नोज के बल गिरा था। आखिर इस जहाज के साथ क्या हुआ था? इसे किसी ने हाईजैक कर लिया था या फिर किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ऐसा हुआ था? क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं पायलट ने ही सुइसाइड करने का मन बना लिया हो? वजह चाहे जो भी हो, हमें शायद कई सालों बाद टाइटैनिक की तरह समुद्र की गहराई में दफन इस राज का पता चले। फिलहाल जब तक इस जहाज का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता तब तक हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।